वर्सेस यूट्यूब, अब ये मैटर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो चुका है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले तू बहुत है। सो कल रात को मेरे फ्रेंड का एक मैसेज आया कि भाई कैरी की वीडियो डिलीट हो चुकी है। मतलब 15 मिनट पहले जो मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वो अभी नहीं रही है। इंडियाज मोस्ट लाइक वीडियो, 10 मिलियन लाइक्स हो चुके थे, इतने अच्छे व्यूज आ रहे थे, कमेंट्स इतने सारे थे, लेकिन यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दी। अब इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। सो रीजन नंबर वन, ऐसा लग रहा है कि कैरी के वीडियोस पर किसी ने मास रिपोर्ट करवाया। मतलब ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक की वीडियो, चार क्रिएटर्स की वीडियो एक साथ डाउन हुई है यूट्यूब से हुई है। नंबर वन, लक्ष चौधरी, एल्विश यादव, सम्राट भाई एंड कैरी मिनाटी। मतलब चारों के वीडियोस एक साथ डाउन हुए, एक ही टाइम पे डाउन हुए है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी ने मास रिपोर्ट किया है। कैरी का वीडियो ओपन किया तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा था, अगर कैरी मिनाटी करे तो बुलिंग, और जो प्यूडीपाई करता है वो क्या। एंड द नंबर टू इज, ये वीडियो कैरी का यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। मतलब अगर किसी को हार्म हो रहा है इससे तो यूट्यूब ऑफकोर्स ये डिलीट करेगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था नहीं मेरे ख्याल से। सो यूट्यूब ने शायद गलती कर दी है या फिर बहुत बड़ा पंगा ले लिया। बोल रहा हूँ कि टिकटॉक पे क्रिंज है और यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे भी क्रिंज है लेकिन वो हाइड करके रखता है। अगर आप देख लो, 2-3 साल पहले काफी ऐसे क्रिंज वाले वीडियोस ट्रेंडिंग पे आते, और अभी यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हो गया है और कम्युनिटी ने काफी अच्छा काम किया है, सो अभी ऐसे वीडियोस ट्रेंडिंग पे नहीं आते। और आप टिकटॉक को देख लो तो भाई आपको पता चल जाएगा कि क्रिंज कंटेंट जो भी एकदम बकवास बकवास है वो आपको फॉर यू पेज पे दिखता है। मतलब जो असली क्रिएटर्स है उसकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पाती। क्रिंज कंटेंट दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे है, यूट्यूब पे भी है और टिकटॉक पे भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि टिकटॉक उसको ऊपर दिखाता है, यूट्यूब उसको अंदर खींच ले। आप किसके साथ है कमेंट कीजिए नीचे। मैं तो अपनी साथ ही हूँ, कैरी मिनाटी के साथ हूँ, कि उसका वीडियो भी ऐसे डाउन चला जाएगा। मतलब बहुत गलत हुआ ये। और अगर कैरी का वीडियो यूट्यूब की टर्म्स एंड पॉलिसीज के खिलाफ नहीं होगा तो भाई जल्दी उसका वीडियो वापस भी आ जाएगा। तब तक के लिए आप दो ही प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, एक है इंस्टाग्राम जहाँ पे कैरी को टैग करो, यूट्यूब इंडिया को टैग करो, और नंबर टू ट्वीट करके भाई कैरी को बचा सकते हो। यार आज ट्विटर पे भी हैशटैग कैरी मिनाटी और जस्टिस फॉर कैरी ट्रेंड कर रहा है भाई, नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है। मतलब उस बंदे की यार फैन फॉलोइंग तुम देख ही सकते हो भाई, लेवल है यार। और बात करते हैं हमारी, तो भाई अपना वीडियो भी ऐसे ही आते रहेगा भाई। आपको अगर वीडियो को लाइक करना है तो लाइक करो, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करो, आप जिसके सपोर्ट में हो नीचे कमेंट डाउन बिलो। यार अभी यूट्यूब और टिकटॉक कब खत्म होगा, और साथ में अभी ये दुनिया जिससे लड़ रही है कोरोना वायरस, जल्दी से सबको ठीक हो जाए भाई, बहुत पंगा हो रहा है युद्ध दुनिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। अगर आप अच्छे क्रिएटर हो, आपके पास टैलेंट हो, तो भाई टिकटॉक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। 10-15 सेकंड में आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो अपने ओरिजिनल कंटेंट से, तो भाई एकदम बढ़िया एप्लीकेशन है वो। बात करते हैं यूट्यूब की, तो भाई यूट्यूब तो ना, तो कैसे हैं आप लोग? YouTube तो भाई बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है भाई, YouTube जैसा तो कोई है ही नहीं भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं नहीं हूँ 30 बार का, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कसम से।